महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हरि विठ्ठल भगवान की जय। चंद्रभागा महारानी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से माँ चंद्रभागा के पवित्र तट पर, माँ चंद्रभागा के पवित्र तट पर हरि और हर की ये पवित्र भूमि, जहाँ श्री हरि विट्ठल विराजमान है, ऐसी पवित्र भूमि पर आप और हमको श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के इस व्यासपीठ के सम्मुख में विराजमान सभी संत साधु तपस्वी कीर्तनकार एवं महात्मा जन, ब्राह्मण जन, गुरुजन, रिटर्न नहीं आ रहा सर, बड़े सौभाग्य का विषय है कैलाश पर्वत को छोड़कर ऐसी पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा करने की हमारी खुद की बहुत अभिलाषा थी, रुचि थी, और उस अभिलाषा को क्योंकि सीहोर से पंडरपुर 900 साढ़े 900 हजार के करीब में इतना किलोमीटर दूर पड़ता है,
अब इतनी दूर आकर व्यवस्था जमाना या व्यवस्था करना, इतनी दूर आकर इतनी व्यवस्थाएं जमाना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, पर उसमें जब संजय भैया बंडू जी जाधव जी को, सांसद महोदय जी को सूचना दी गई कि ये कथा करने का मन है, दुनिया में सांसद बहुत देखे पर ऐसा सांसद नहीं देखा, संजय भैया बंडू जी जाधव जी ने तुरंत उसी समय पर कह दिया कि आप कथा की तैयारी करो, लाखों भक्त आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था हरि विट्ठल करेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम व्यवस्था कर देंगे, उन्होंने कहा हरि विट्ठल व्यवस्था करेगा। फिर हमने कहा इतनी बड़ी भोजनशाला संभालना, इतने लाखों लोगों को भोजन कराना, कहे गुरुजी जब पंडरपुर में इतने वारकरी संप्रदाय के भक्त पहुंचते हैं तो भी तो हरि विट्ठल ही व्यवस्था करता है, तो ये व्यवस्था भी हरि विट्ठल करेगा। तो माननीय संजय बंडू जी जाधव जी को, क्रांतिताई संजय जाधव जी को मैं बधाई देता हूँ जो आप कथा के यजमान बने और संपूर्ण भोजन की व्यवस्था आप संभालें। फिर संजय भैया बंडू जी जाधव जी ने कहा कि अपने को यहाँ का कोई ऐसा भक्त मिल जाए जो हरि विट्ठल में अपना मन रखते हों, जिनका पूरा परिवार श्री हरि विट्ठल के चरणों में रमा रहता हो। तो बंडू भैया ने ही श्री अभिजीत जी आंबा पाटिल जी, श्रीमती सुमित्रा अभिजीत जी पाटिल जी, इनका नाम कहा। और अभिजीत जी पाटिल जी को जब कहा गया कि आपको ये कथा यहाँ हो रही है तो इसमें व्यवस्थाएं करना संभालना ये आपकी जवाबदारी है, तो अभिजीत जी का पाटिल जी का कहना था कि आप बिल्कुल सूचना कर दो, जब मुगलों ने आक्रमण करा था, जब हरि विट्ठल हमारे परिवार में आकर कई साल तक निवास करे, उसी पुण्य के अंतर्गत हमारे माता पिता के पुण्य कहीं प्रबल हुए होंगे जो ये शिव महापुराण के यजमान बनने का सौभाग्य मिला। मैं माननीय अभिजीत जी पाटिल जी को, सुमित्रा अभिजीत जी पाटिल जी को धन्यवाद देता हूँ। फिर खबर करी श्री दिनेश गणपति जी काबरा जी के यहाँ, काबरा परिवार में, जब उनको खबर करी एरंडोल वालों को, अभी जब हम जब जलगांव जा रहे थे तो एरंडोल होते हुए गए थे, अब हरि विट्ठल ने इनका घर तो देख ही लिया था, तो इनको पकड़ के लाने का कार्य भी हरि विट्ठल का ही था, तो काबरा परिवार को भी इस कथा के यजमान पद प्राप्त करा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद श्री दिनेश गणपति काबरा, काबरा परिवार एरंडोल को देता हूँ। फिर स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद जी तिवारी जी, स्वर्गीय त्रिवेणी बाई तिवारी जी की स्मृति में कारंजा से जो यजमान परिवार जुड़ा है उसको भी बहुत बहुत साधुवाद है। फिर शिव शंकर राव साहब बिराजदार जो कि पुणे से हैं, इनका भी अतक मन था कि पंडरपुर में कथा हो, गुरुजी आए, ऐसे यजमान परिवार को मैं साधुवाद देता हूँ। स्वर्गीय हीरा जी पाटिल जी की स्मृति में छाया निम्बा जी पाटिल द्वारा नेपानगर से भी आप यजमान पद प्राप्त करे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। शशिकांत अरविंद जी श्रीवास्तव बंटी कायस्थ साकरी से हैं, जो एक बार खबर करने पर इन्होंने यजमान पद ग्रहण किया, उनको बहुत बहुत बंटी जी कायस्थ जी को, श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत साधुवाद। स्वर्गीय राजेंद्र परदेशी जी की स्मृति में सविता जी द्वारा अक्कलकोट से स्वामी समर्थ जी की पवित्र भूमि से आप आए, इस कथा के यजमान बने, हमें लगा कि आप स्वयं स्वामी समर्थ के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए। सभी आटो की आटो यजमान परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ और पंडरपुर के सभी संत साधु ब्राह्मण जन गुरु जन के चरणों की रज को नमन करते हुए, माँ चंद्रभागा का स्मरण करते हुए
पंडरपुर की पवित्र भूमि पर रहने वाले एक एक बच्चा बच्चा, चाहे वो यहाँ का सेवादार हो, चौकीदार हो, झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे वो किसी भी पद पर प्रतिष्ठित हो, उनके श्री चरणों को नमन करता हूँ जो इस पवित्र भूमि पर रहकर हरि विट्ठल की सेवा में दिन रात अपना जीवन गुजार रहे हैं। दुनिया में केवल एक ऐसी भूमि है जिस भूमि पर हरि और हर एक ही स्वरूप में साथ में विराजमान। ऐसी भूमि दुनिया में कहीं पर भी नहीं है जो चंद्रभागा के तट पर है। स्वयं गंगा, स्वयं यमुना, स्वयं सरस्वती भी इस चंद्रभागा के तट पर आकर झाड़ू लगाती हैं। केवल क्यों, किस लिए? गंगा भी समय निकालकर इस चंद्रभागा के तट पर पहुंचती हैं, यमुना भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है, और सरस्वती भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है। एक बार गंगा जी जब चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हुई बुआरी लगा रही थी, राह को बुआर रही थी, तब स्वयं राधा जी ने गंगा जी से बात करी थी। आज भी पंडरपुर के हरि विट्ठल के मंदिर में राधा जी का मंदिर है। आप लोगों ने दर्शन किए? जम के तो बोलो जरा, करें? पंडरपुर में हरि विट्ठल जी के मंदिर में राधा जी का मंदिर है। दुनिया में शायद पहला मंदिर होगा जो रुक्मणी जी भी मंदिर के अंदर है और राधा जी भी मंदिर के अंदर है। शायद दुनिया में पहला मंदिर है जहां रुक्मणी भी है और राधा भी है। गोलोक धाम में राधा जी विराजमान है। भगवान कृष्ण के साथ में राधा जी बैठी हुई है। राधा जी ने देखा, रोज गंगा मैया जाती है चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बुआरी काटती है, झाड़ू लगाती है। अब गंगा जी को रोज झाड़ू लगाते लगाते देखना, तो राधा जी के मन में थोड़ी उत्सुकता जागी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके मन में उत्सुकता होगी, आखिर ये सियोर वाला महाराज कथा करने जाता है, लोग इतनी संख्या में पहुंचते हैं, आखिर कथा में ऐसा है क्या? आधे तो कथा सुनने आए होंगे और आधे ये देखने के लिए आए होंगे कि आखिर कथा में क्या है। अब राधा जी के मन में ये उत्सुकता जाग गई कि जिन गंगा जी के चरणों में सारे देवता जाते हैं, जिन गंगा जी के जल में संपूर्ण पाप धुल जाते हैं, जिस गंगा जी के जल में जाने के बाद पापी भी निर्मल हो जाता है, जिस गंगा जी के जल में पाप कर्म छूट जाता है, वो गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही, बुआरी लगा रही। मैं पंडरपुर के इस पवित्र भूमि से कहना चाहूंगा, जैसे महाराष्ट्र का गौरव है छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे महाराष्ट्र का गौरव है छत्रपति शिवाजी महाराज, उसी तरह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दौलत है, डायमंड हीरा है वारकरी समाज। ये डायमंड हीरा है वारकरी समाज, कोई वारकरी के अंतर्गत ये ना सोचें कि एक साधारण सा पंथ है,
उन्होंने भजन गाया, कीर्तन करा, हरि विट्ठल पांडुरंगा, हरि विट्ठल रामकृष्ण हरि का स्मरण किया तो वारकरी, ना ना ना, तो महाराष्ट्र का डायमंड है और महाराष्ट्र का हीरा है। क्या मिला? अब राधा जी के मन में एक संशय जाग गया और राधा जी के मन में जो संशय जागा वो बड़ा विचित्र संशय था कि जिन गंगा जी के पास जाकर पापियों के पाप धुल जाते हैं, जिन गंगा जी के पास जाकर लोग स्नान कर कर पाप धो बैठते हैं, वो गंगा चंद्रभागा के तट पर, वो गंगा चंद्रभागा के तट पर। अब राधा जी के मन में बेचैनी होने लगी। तुरंत राधा जी ने भगवान कृष्ण के पास बैठी थी और मन में उच्चिष्टता थी। कभी कभी पति पत्नी साथ में रहते हैं, सोफे पर बैठे रहते हैं, दोनों साथ में घूम रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी पति से कह देती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? दोनों साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बैठे बैठे चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद भी पत्नी पति से कह देती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहीं मोबाइल में होगा या कुछ सोच रहा होगा या विचार कर रहा होगा, तो ध्यान भटा हुआ होता तो उसके स्मरण में नहीं। तुरंत कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? उसी तरह भगवान कृष्ण राधा जी के पास में बैठे हैं और भगवान कृष्ण राधा जी से कह रहे हैं, राधा तो 3 दिन से मेरे साथ में है, राधा तो 3 दिवस से मेरे साथ में है, पर एक बात मैं तुझसे कहना चाहता हूं राधा, तेरा ध्यान मेरे साथ में नहीं है। अरे खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। तेरा ध्यान कहाँ है राधा? तेरा चित्त कहाँ है? राधा जी कहती हैं, प्रभु बस पूछो मत ही कि मेरा ध्यान कहाँ पर है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे करीब में रहने के बाद भी अगर तेरा ध्यान मेरे में नहीं है और दूसरे में लगा हुआ है तो ये श्रेष्ठता थोड़ी ना। पंडरपुर की पवित्र भूमि पर आने के बाद, आप शिव महापुराण की कथा में आने के बाद, यदि आपका मन इस पवित्र कथा में नहीं लग पाया, इस पवित्र कथा में आपका चित्त नहीं लग पाया, तो समझ लेना कि इतनी दूर आने के बाद स्वयं कैलाशपति जिस भूमि पर आकर हरि विट्ठल के सिर पर बैठ गए थे, प्रथम बार करी कहलाए थे, ऐसी पवित्र भूमि पर कथा सुनने के बाद अगर आप पंडरीनाथ के दिल से नहीं बैठ पाए या दिल से नहीं जुड़ पाए तो तुम्हारा जीवन बेकार। अभी हम तो स्मार्ट हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन सस्ता प्रोटीन ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि लिवर डिजीज का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, क्योंकि नई किडनी का खर्चा जिंदगी भर चलेगा, क्योंकि प्रोटीन की जगह शुगर पाउडर मिल तो रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ सस्ते प्रोटीन से मतलब है, रिजल्ट से नहीं, पैसा हमें जान से ज्यादा प्यारा है। सस्ते और सब स्टैंडर्ड के बीच अपनी सालों की मेहनत और हेल्थ को दाव पे मत लगा देना, समझदारी ऑथेंटिक और सर्टिफाइड वे प्रोटीन पे भरोसा करने में है, अपनी जान को जोखिम में डालने में नहीं। Biozyme Whey is the world's first trustified protein range. 100% accurate label claims and purity through 100% blind testing from the market. जब
जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी जो ठान कर बैठे थे मैं विवाह नहीं करूंगा, उनको विवाह करने की आज्ञा श्री हरि विट्ठल ने दी थी, जाओ शादी करो, विवाह करो, परिवार बढ़ाओ। तब श्रीमद वल्लभाचार्य जी के घर में जो लाल जी प्रगटे, उनके घर में जो बेटे का जन्म हुआ, जो लाल जी प्रगट हुए, उनका नाम ही श्री विट्ठल नाथ रख दिया था, गोसाई जी रख दिया। यहां पत्ता नहीं हिल सकता हरि विट्ठल के बिना, एक पत्ता। ठाकुर जी ने आज्ञा करी, पाटिल जी कहे कि सुबह 10 बजे का दर्शन, दर्शन करने गए और ठाकुर जी का दर्शन किया, खूब सुंदर। ट्रस्टी महोदय अध्यक्ष जी से मिलना हुआ, उनसे भी। अब कई लोग वहां कह रहे थे कि फोटो खींचने वाले, गुरुजी इधर देखो, फोटो वाले कह रहे थे गुरुजी इधर देखो। अब दिल तो उसने चुरा रखा था, इधर देखूं भी तो कहां देखूं। अब जिसको देखने के लिए तरस गए, इतनी जिंदगी निकाल दी जिसको देखने के लिए, और उसके पास जाने के बाद भी अगर तुम्हें देखूं तो फिर क्या खाते। वहां पहुंचने के बाद तो उससे निगाह मिलना चाहिए जिसके सम्मुख में आप पहुंचे हो, उसके पास पहुंचने के बाद उससे थोड़ा विचार करना चाहिए, गजब मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल गजब। अपने भक्तों के लिए कमर पर हाथ रखकर खड़े रहते, खड़े गजब। हमने हमारे वो माननीय ट्रस्टी महोदय ने कहा हाँ सिर नवाइए, सिर लगाइए। हमने ठाकुर जी के चरण को पकड़ा, दो बार तीन बार दबाया, उन्होंने कहा सिर, हमने कहा हाथ से दबा ले, तो बोले दबा क्यों रहे हो, हमने कहा खड़े खड़े पांव दुख गए होंगे, इतने सालों से खड़ा हुआ खड़ा है बहुत समय, आज मौका मिला है दबा ले चरण। सिर तो सभी झुकाते हैं नवाते हैं, पर उसके चरण दबाने का मौका मिला। ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी यार जो थी मुलाकात। ईमानदारी की बात, सत्यता की बात है, जो वारकरी 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर 600 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से पैदल हरि विट्ठल पांडुरंगा राम कृष्ण हरि विट्ठल 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 करते करते जब यहाँ पहुँचते होंगे ना, और जब उसके सामने जाते होंगे, मेरा विश्वास कहता है मेरे विट्ठल उससे कहते जरूर होंगे, आ गया मेरे नज़दीक, आ मेरे गले लग जा, कहते उसको पहचानते हैं। दुनिया में सारे संप्रदाय होंगे पर वारकरी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय जो हरि विट्ठल को पहचानता और हरि विट्ठल वारकरी को पहचानता। पहचान कभी कभी तो हमको स्मरण भी आ रहा था कि तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, आज मिलन हुआ दर्शन हुआ, फिर बोले पाटिल जी की गुरुजी मंदिर के प्रदक्षिणा है,
बहुत भीड़ है, गाड़ी में बैठ के लगा लेना, शीशे की गाड़ी है, ऊपर से हाथ हिला देना। हमने पाटिल जी से काम हाथ हिलाने आए ही नहीं, हम तो यहाँ दिल लगाने आए हो। और हमने कहा तुम भी उतरो, सांसद जी से कहा तुम भी उतरो। यहाँ आने के बाद कोई सांसद नहीं, और पाटिल जी तुम कितनी भी तुम्हारे गन्ने की शक्कर की मिलो उससे कोई मतलब, उतरो नीचे चलो पैदल पैदल। क्योंकि यहाँ मेरे कैलाश अधिपति भगवान शंकर जब पंडरपुर की पवित्र भूमि पर आए थे तो चंद्रभागा के तट पर गए थे, और चंद्रभागा के तट पर जब पहुंचे उस समय पर नंदी उनसे कह रहा था मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें मंदिर तक लेकर जाता हूं। मेरे शंकर भगवान ने नंदी को त्याग दिया था। पंडरपुर एक पवित्र भूमि जहां पर हनुमान जी के मंदिर के आगे नंदी बैठा है, शंकर जी के साथ नंदी नहीं है, क्योंकि उन्होंने नंदी को त्याग दिया। यहां तो मिलने के लिए आया हूं, छोड़ा। और मेरे भोलेनाथ ने पूरे पंडरपुर में हरि विठ्ठल के लिए आवाज लगाई, विठ्ठल 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 विठ्ठल। उधर मेरे हरि विठ्ठल आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुक्मणी जी के कानों में शब्द गया, आज क्या बात है, मेरे हरि विठ्ठल हर हर महादेव कह रहे हैं, क्या बात है। भगवान नारायण बोले, आज कैलाश अधिपति मेरे शंकर मुझसे मिलने के लिए आए हैं, आज मेरा इष्ट मुझसे मिलने के लिए आया। और शंकर कहते मेरा इष्ट से मैं मिलने के लिए आया, दोनों मिलना चाहिए। जो परिक्रमा करी, वारकरी का मतलब ही यही होता है, वारी करी मतलब आप आए हैं, आपने हरि विठ्ठल की परिक्रमा करी है, और एक बार नहीं कई बार करी है। जो एक बार हरि विठ्ठल की परिक्रमा कर लेता है मंदिर की, वो वारकरी हो जाता है, उसके उसको फिर कुछ कुछ सुहाय ना सुहाय वो वारकरी हो गया, वारकरी। बोल बम का नारा है, आप और हमने परिक्रमा करी, आप भी वारकरी हो गए, हम भी वारकरी हो गए। परिक्रमा कर जिसने हरि विठ्ठल के मंदिर की परिक्रमा कर ली, समझ लो वो हरि विठ्ठल का हो गया। और पहले उसके बनो, फिर कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे, पहले उसके बनो। यहां जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं पहले दिन की कथा में, आज लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, लाखों की संख्या में। तीनों चारों पंडालों में, तीन पंडाल तो ये लगाए हैं, एक उधर लगाया, एक उधर लगाया, किसी पंडाल में जगह नहीं है। आप लाखों की संख्या में पहुंचे हो, बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, तो दिल मेरे बाबा में लगाना, हृदय से कथा सुनो। हरिहर विठ्ठल शिव महापुराण की कथा है। राधा जी का दिल नहीं लगा, राधा जी का चित्त नहीं लगा, बेचैनी है राधा जी के मन में, क्योंकि उनके मन में जो चल रहा है कि गंगा, जिसमें गंगा के जल में लोग स्नान करते और पाप धो देते, और वो चंद्रभागा के तट पे झाड़ू लगा रही है, बुआरी लगा रही है, ये थोड़ा टेंशन तो रहता है ना, चिंता तो रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे वेद पढ़ लो, सारे शास्त्र पढ़ लो, कितने भी विद्वान बन जाओ, दुनिया का कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितने बड़े भी प्रखर पंडित या विद्वान बनकर बैठ जाओ, पर यदि आपने जिंदगी में शिव का नाम नहीं लिया तो आपका विद्वान बनना व्यर्थ है। जो शंकर का नाम नहीं ले पाया वो जिंदगी में विद्वान बनना व्यर्थ। शिव कथा मिल रही है शंकर की। आज अभी अभी पाटिल जी कह रहे थे कि हमारे पूरे पंडरपुर में उत्साह, दिवाली सा माहौल है, होना चाहिए। जब हरि विठ्ठल से मिलने के लिए शंकर भगवान आए थे, हरि विठ्ठल से मिलने जब शिव जी कैलाश से आए थे,
तब रुक्मणी जी ने पलक पावड़े बिछाए थे कि कैलाश अधिपति मेरे पति से मिलने के लिए आए हैं, आज कुबेरेश्वर महादेव हरि विट्ठल से मिलने के लिए पधारे। यही शिव आज शिव पुराण शंकर की कथा स्वयं शिव पुराण नहीं है, शंकर का एक प्रतिबिंब शंकर का एक स्वरूप है। अगर पंडरपुर में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आपके पंडरपुर में भागवत जी हुई, राम कथा हुई, गीता जी हुई, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े संत आए, साधु आए, गुरुजन आए और पंडरपुर की पवित्र भूमि पर आते रहेंगे, पर पंडरपुर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो ये समझ लेना कि हरि विट्ठल से मिलने के लिए स्वयं कैलाश अधिपति शंकर पधारे। इतने समय के बाद जब पहले आए थे और आज मेरे शंकर को, तो पूरे पंडरपुर को एक उत्साहित होना चाहिए कि जैसे स्वयं पंडरीनाथ से मिलने के लिए शंकर आए थे, आज फिर बाबा ने बड़ी कृपा करी हो भोलेनाथ, इतने समय के बाद फिर वापिस वही आनंद के साथ पधारे। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दया करी दर्शन। आपका जितना विश्वास प्रबल होगा वो उतने भक्ति की कथा का तत्व श्रवण करने में आनंद होगा। नामदेव जी की उम्र तो कितनी छोटी सी थी, जरा सी उम्र नामदेव जी की, संत नामदेव जी महाराज की छोटी सी उम्र, और पिताजी को जाना था दूसरे गांव, और दूसरे गांव जाते जाते संत नामदेव जी से पिताजी ने कह दिया, नामा नामदेव सुनो। हाँ पिताजी। हरि विट्ठल को ठाकुर जी को दूध का भोग लगा दो, जाओ जाओ ठाकुर जी को दूध पिलाओ। अब नामदेव जी को, अभी तक नामदेव जी ने देखा था कि पिताजी दूध का कटोरा ले जाते थे, ठाकुर जी को दूध चम्मच से मुख पर लगा देते थे, चम्मच वापस दूध के कटोरे में डाल देते थे और दूध वापस ले जाकर प्रसाद में डाल देते, और सब जितने लोग आते सब पी जाते। छोटा सा बालक नामदेव जी महाराज, संत नामदेव जी, छोटी सी अवस्था, पिताजी ने कह दिया था भगवान को दूध पिला देना, हो अब दृढ़ता हो तो संत नामदेव जी जैसी पकड़ ली बात को, भगवान को दूध पिला देना। अब नामदेव जी भी सोच कर बैठ गए, अब तो दूध पिलाकर ही मानना है चाहे कुछ भी हो जाए, अब बिना दूध पिलाए रहना नहीं है। संत नामदेव जी ने पकड़ ली बात को कि अब, और कटोरे में दूध लेकर भगवान के पास पहुंच गए, ठाकुर जी के पास पहुंच कर उन्होंने दूध का कटोरा रख दिया, हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़कर बोले जल्दी से पी लो। अब वो पाषाण की मूरत, पत्थर की मूरत, कहीं दूध का कटोरा उठाए और पिए, सोना का कटोरा मैं दूधवा मंगाया, ठाकुर जी को दूधवा पिलाया, दूध पियो ओ दूध पियो, दूध पियो ओ दूध पियो,
दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे सब गाइए प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, ओ कारी गाय का दूधवा मंगाया, कारी गाय का दूधवा मंगाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया, ओ कारी गाय का दूधवा मंगाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया, कारी गाय का दूधवा मंगाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया, ओ दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, ओ दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, राधे पीछे वाले भी दोनों हाथों से ऐसा भगत मैंने कहीं नहीं पाया, चांदी के कटोरे से दूधवा पिलाया, ऐसा भगत मैंने कहीं नहीं पाया, चांदी के कटोरे दूधवा पिलाया, ऐसा भगत मैंने कहीं नहीं पाया, चांदी के कटोरे से दूधवा पिलाया, ऐसा भगत दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, ओ दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे।
काला बछड़ा कपिला गाए दूध दुहावत नामा जाए। काला बछड़ा कपिला गाए दूध दुहावत नामा। काला बछड़ा कपिला गाए दूध दुहावत नामा जाए। काला बछड़ा कपिला गाए दूध दुहावत नामा। ओ दूध पियो दूध पियो दूध पियो दूध पियो, ओ दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, ओ दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, ओ दूध पियो दूध पियो दूध पियो दूध पियो, ओ दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से माँ चंद्रभागा के तट पर हरि विट्ठल की पवित्र भूमि पर बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से निवेदन करिए, हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ, जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठ जाओ, क्योंकि पंडरपुर की पवित्र भूमि बार बार मिलने वाली नहीं है। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करें, जहां जगह मिले। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भाई, ओ सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव कथा करे भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। राधा जी के चित्त में बात अड़ी पड़ी, राधा जी की बुद्धि में बात अड़ी पड़ी, मन नहीं लग रहा। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, राधा क्या है तेरे मन में, क्या चल रहा है, तेरे हृदय में ये चल क्या रहा है राधा। राधा जी कहती हैं, प्रभु एक छोटा सा संशय मेरे दिल में, छोटा सा संशय। ए मेरी पंडरपुर की जीजियों और मेरे पंडरपुर के जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत दिल से सुनना। लोग जरूर कहेंगे कि बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं, पूरी दुनिया के लोग पंडरपुर में 8-8, 15-15 दिन पैदल चलकर, 1-1 महीना पैदल चलकर पहुंचते हैं। आज पंडरपुर वालों को योग लगा है कि आप पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचो और अपनी जिंदगी को साथ। दुनिया के लोग पंडरपुर पहुंचते हैं पैदल चलकर, पर आज पंडरपुर वालों को योग लगा है कि अपन भगवान शिव की कथा तक पहुंचे, अपने भीतर के संशय को मिटाने। क्या देगा मेरा भोले बाबा, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। और वो कहते हैं ना कि कहीं कहीं ट्रेन एक इंजन से चलती है, पर यहां तो डबल इंजन एक साथ है। यहां कोई साधारण है, शिव भी हैं और हरि विट्ठल भी हैं। क्या नहीं देता, एक विश्वास के साथ सुनो। एक पत्र आया है, देखिए, पत्र तो बहुत सारे हैं, थोड़ा पत्र को आस्था चैनल पर, एलईडी पर, टीवी चैनल पर, अपने मोबाइल पर पत्र को जरूर पढ़ो। जो आप लोग पत्र लिखते हो उसमें आपका एड्रेस लिखते हो, अपना मोबाइल नंबर लिखते हो। पत्र लिखने वाले आप हो, पत्र में लिखावट आपकी है, पढ़ने वाले हम हैं, इसका अंदाजा लगा कर बैठिए। पत्र को जरूर पढ़ें। बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम। सो स्वाति अनिल गौरव, मैं पंडरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोर्टी गांव में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। सो स्वाति अनिल गौरव, मैं पंडरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोर्टी गांव में रहती हूँ। मेरे गांव में स्वयंभू भोले बाबा का प्राचीन मंदिर भी है और हम मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई, बच्चा लाई है साथ में, लाई है, लिया, अगर बच्चा लाई हो साथ में तो लिया। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे, कितने साल जम के बोलो जरा। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे, आपत्ति नहीं था, एक बार भी
मेरे यहाँ गर्व नहीं ठहरा, संतान नहीं हुआ। आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है। मेरी सहेली रोज आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है, कथा सुनती है, वो कहती है तुम भी सुनो। पंडाल में महाराज जी कथा सुनाते हैं, लेकिन मैंने मेरी सहेली से कहा कि कथा सुनकर क्या संतान पैदा हो सकती है? क्या कथा सुनने से क्या औलाद हो जाती है? अगर ऐसा होता होता तो दुनिया में लोग केवल कथा ही सुनते रहते। इसमें एक लाइन इन्होंने पीछे जो लिखी है, वो लाइन को जरूर पढ़ना आप। मैं उसको पत्र को तो पढ़ूंगा, पर इस लाइन को जरूर पढ़ो। आप लोग चैनल पर भी पढ़ो। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैंने आप पर पहले कभी भरोसा नहीं किया था, और भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी, तब मेरा भरोसा हुआ कि 26 साल बाद भी संतान हो सकती है। अब पत्र को देखिए। मेरी सहेली ने कहा तू कथा सुना कर। मैंने अपनी सहेली से कहा क्या कथा सुनने से औलाद पैदा होती है, संतान होती है? मैं अपनी सहेली पर हंस दी और मैंने कह दिया ये फालतू की बात मत कर। मैंने ना जाने कितनी जगह से गोदी भरवाई, दवाई करवाई, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर संतान नहीं। साधु संतों से भी मैंने झोली भरवाई, बच्चा नहीं हुआ। मेरे पति गुरुजी आपकी कथा मोबाइल पर रोज समय मिलते ही सुनते थे। मेरे पति ने मुझसे कहा तू एक बार दिल लगाकर मेरे साथ जोड़े पर बैठकर, जोड़े से टीवी के सामने बैठ और कथा सुन। मैंने अपने पति से कहा जब इतने बड़े बड़े महाराज भी कुछ नहीं कर पाया तो क्या शिव पुराण की कथा कुछ कर देगी? मैं नहीं मानती ये सब चीज़ें। मैंने नहीं माना, फिर भी मेरे पति ने जिद पकड़ी और कहा चल शंकर जी के मंदिर चलते हैं। सफेद आंकड़े की जड़ ली, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर पत्नी के कमर पर, मेरे कमर पर बंधवाई। तब मेरे कमर पर जब जड़ बंधी तो हम पति पत्नी ने दोनों ने बैठकर कथा को श्रवण किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है। आपकी कथा नहीं, स्वयं शंकर की वाणी है गुरुदेव। बाबा की कृपा हुई, जड़ बंधने के बाद मैंने पहली बार टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी। हमेशा आपका बहिष्कार करती थी, लोगों को अपशब्द कहती थी, क्यों उस महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो, वो तो मूर्ख बनाने की मशीन खोल के बैठा है। पर गुरुदेव आज मैं क्षमा चाहती हूँ, 26 साल के बाद मुझे बाबा ने संतान दे दी। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई गुरुदेव। सारे द्वार घूम लिए पर शिव का द्वार जैसा कोई द्वार नहीं। आज पंडरपुर की भूमि बाबा के आने से धन्य हो गई। मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। शिव तत्व औघड़ी, ये बच्चे का फोटो, वो अगर माँ लाई होंगी तो बच्चे को यहाँ पर जरूर लाएंगे, पर टीवी पर उस बच्चे का फोटो भी दे। 26 साल के बाद जो दिया वो कम ना दिया। करुणा सागर है शिव, औघड़ी है शिव, दयालु है शिव। आप जिस विश्वास से सुनते हो, आप जिस भरोसे से सुनते हो, मेरा बाबा कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ता। हमने पहले भी कहा हम पर भरोसा मत करो, भरोसा करना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो। एक लोटा जल सारी समस्या का, शिव को जल चढ़ाओ, शंकर को जल। आपको मालूम पड़ेगा कि शिव है क्या, शंकर है क्या। शंकर की पहचान, देवाधिदेव महादेव की पहचान करना सरल बात नहीं है। बात विष का जो प्याला है वो किसी देवता के पास में नहीं भेजा गया, विष का प्याला केवल एक ही के पास भेजा गया था, वो देवाधिदेव महादेव, केवल देव। और मेरी बहन से निवेदन है, आप तो मेरी जीजी हो, क्योंकि जितने भी कथा सुनने के लिए माताएं आती हैं वो सब मेरी जीजी हैं, और जितने पुरुष आते हैं वो सब मेरे जीजा हैं। मेरी माताएं
मेरे पिता के रूप में आप बैठे हो। आप लोग भले इसमें लिखा कि मैं आपको भी अपशब्द कह देती थी कि ऐसा होता है, आपने कहा कि मैं क्षमा मांगती हूं। मेरा निवेदन मेरी बहनों से है, भाई से कभी क्षमा नहीं मांगा जाता, भाई को तो केवल आशीर्वाद ही दिया जाता। आप तो शिव भक्ति करो, शंकर का गुणगान करो, शिव का स्मरण करो। बहुत दूर दूर से आते हो आप लोग कथा सुनने के लिए, अपना दिल लगाकर मन लगाकर सुनो। कोई प्रपंच में नहीं, कोई प्रपंच। कहने वाले कहते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले देते रहेंगे। जब संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा था, संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा, जिसने निंदा करी संत नामदेव जी की, नामदेव जी ने उसी को प्रणाम कर लिया कि भैया आपको नमन है, बहुत बहुत सर्वर। आखिरी में वो निंदा करने वाला संत नामदेव जी को गुरु बना लेता है कि मेरी निंदा करने से भी आपको कोई फर्क नहीं। अच्छा, संत स्वभाव, संत और सागर, संत और सागर में बहुत अंतर है, संत और सागर में बहुत अंतर है। क्या अंतर है संत और सागर में? सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है, बोलो री जीजियों सही है कि गलत है? सागर समुद्र, सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है, बहुत उसकी लहरें उछलने लगती है, बहुत ऊपर जाने लगती है। संत और सागर में अंतर है। सागर समुद्र प्रलय आने पर उछल जाता है, उफान पर आ जाता है, पर संत और सागर में एक अंतर है। सागर प्रलय आने पर उफान पर आता है, पर संत कैसी भी विकट परिस्थिति हो कभी उफान पर नहीं आता। संत संत है, साधु साधु है, तपस्वी तपस्वी है, साधक साधक है, उपासक उपासक है, वो संत है। छब्बीस वर्ष के बाद ये गुड़िया का जो बच्चा है इसका जन्म हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब तो बाबा ने कृपा कर दी। सो स्वाति अनिल गौरव पंडरपुर से 7 किलोमीटर दूरी पर कोटी गांव में रहती हैं, जिनका मोबाइल नंबर यह है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो बाबा ने कृपा करी उसकी करुणा। अरे भाव से इसमें खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो
शिव से करी भक्ति। राधा जी के मन का संशय भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, तुम्हारा हृदय नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, क्या बात है राधा, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? राधा जी कहती हैं, मेरे मन में छोटा सा संशय, अगर आपके मन में विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, नहीं है ना विश्वास, मत होने दो, आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, जिस दिन वो हाथ पकड़ लेगा उस दिन ऐसा भरोसा तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा कि तुम भटकोगे नहीं, भीतर से पता, भीतर से। जब वो भीतर से पकड़ता है तो जीवन का एक आनंद स्वयं देता है। यहाँ एरंडोल वाले काबरा जी बैठे हैं जो उज्जैन के भी यजमान बने थे और यहां पर भी यजमान बने। जब हम इनके यहां गए तो इनके बड़े भैया बड़े दिल वाले और बड़े मनमोजी, बोलने में बड़े एक्सपर्ट, बड़े आनंद, वो हमारे बाजू में बैठ कर बोले, गुरुजी ये मेरा छोटा भाई है ना, ये किसी को मानता ही नहीं था, बड़े दिल से उन्होंने अपने दिल की बात, कोई छुपाना वाला काम नहीं, जो एकदम साफ होता है ना वो साफ रखता है, कह दिया ये किसी को नहीं मानता था, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनना इसने चालू करा तब से ये शंकर का ऐसा भक्त हो गया कि शिव के बिना कथा सुने बिना रह नहीं पाता, रही भक्ति इसी को कहते, भाव इसी को कहते, श्रद्धा इसी को कहते, निर्मल मन सो मोहि पावा। भीतर संशय नहीं रहना चाहिए, संशय है तो कथा में मन नहीं लगेगा, संशय है तो चित्त नहीं लगेगा, इस शिव महापुराण का हमारा नियम है। ये जितने पत्र आते हैं, ये जितने भी आएंगे 1000 2000 5000 जितने पत्र होते हैं सारे पत्र यहीं छोड़ कर जाते हैं, हम पत्र लेकर नहीं जाते, इनमें मोबाइल नंबर होता है, फोन नंबर होता है, एड्रेस होता है, लिखने वाले तुम होते हो, पत्र को भेजने वाले तुम होते हो, हम तो केवल बैठकर बाँचते हैं, आपने जो भेजा हमने पढ़ा, बाँच दिया, उसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे वो मीडिया वाले जाएं, चाहे तुम जाओ, जाकर पूछ लो जिसने पत्र लिखा था उससे जाकर बात करो कि उसने क्या लिखा, क्या जाने, हमने तो पढ़ा, आपने भेजा पढ़ा और वर्णन कर, जो देता है उसका गुणगान किया, जो आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। राधा जी के चित्त की बात भगवान कृष्ण समझ गए थे और भगवान कृष्ण ने कह दिया, राधा तेरा दिल नहीं लग रहा, संशय तेरे मन में, हाँ क्या संशय है, जिस गंगा में पापियों के पाप धुल जाते हैं वो गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही है, बुआरी लगा रही है, संशय है मेरे, मेरे मन में संशय है, ओ इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात राधा, जाओ तुम ये बात अगर करना है तो चंद्रभागा नदी से जाकर बात करिए, जाओ पृथ्वी पर, राधा गौलोक धाम से चंद्रभागा के तट पर है, आज कोई कह रहा था गुरुजी पौंडरिक हरि विट्ठल को यहां प्रकट किया, किसी ने कहा पौंडरिक के पहले क्या हरि विट्ठल इस पंडरपुर की भूमि पर नहीं थे? कोई कह रहा था आज कि गुरुजी पौंडरिक, तो अभी इसी समय कलिकाल के समय की बात होगी या
कितने समय की बात होगी, उस समय पर हरि विट्ठल को प्रकट किया। हरि विट्ठल आए उनके दरवाजे पर, उन्हें ईंट फेंकी, उस पर खड़े हुए। ये सब कथा आपने सुनी। क्या इससे पहले हरि विट्ठल क्या पंडरपुर में नहीं थे, चंद्रभागा के तट पर नहीं थे? आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, पुराण की रचना कब हुई? श्री वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी, सारी पुराण सारे शास्त्र सब कुछ वेद व्यास जी ने रचना करे। जब वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी तो सबसे पहली पुराण स्कंद पुराण की रचना करी। उस स्कंद पुराण में चंद्रभागा पंडरपुर का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने उस समय कर दिया था कि उस समय पर भी हरि विट्ठल इस भूमि पर थे और इस भूमि पर रहे। बस उनका प्रागट्य, उनका सामने आना, दर्शन देना, ये बार बार होता रहा। जैसे संत नामदेव जी को 27 बार हरि विट्ठल ने दर्शन दिया, 27 बार हरि विट्ठल ने दर्शन दिया और 28 बार तो बात करने के लिए हरि विट्ठल संत नामदेव जी के सामने आ गए थे, हाथ पकड़ के खेलते थे नामदेव जी के। अब जैसे 27 बार हरि विट्ठल नामदेव, संत नामदेव जी को दर्शन देने के लिए आ सकते हैं, संत नामदेव जी के साथ खेल सकते हैं, 28वीं बार हाथ पकड़कर घूम सकते हैं, तो ऐसा तो हरि विट्ठल तो कब से यहां पर है, ना जाने कितने युग निकल गए होंगे। जैसे राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे कई युग निकल गए, कई युगों में राम। हर बार सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलि। हेलो, आप तो वो हो ना भैया, बताओ ना। चलता रहता है हर पहिए में राम, हर समय पर राम कृष्ण का अवतार होता रहता है। ऐसे ही हरि विट्ठल आज के नहीं है, कई युग निकल गए। इस चंद्रभागा के तट पर भगवान हरि विट्ठल को विराज है, कई युग। कई जाओ राधा, स्कंद पुराण का ये चरित्र है। आप लोग जरा, अगर आप लोगों के मन में संशय हो कि गुरु जी ने कहां से सुनाया, तो एक बार स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेना और स्कंद पुराण को उठाकर उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन, चंद्रभागा तट का वर्णन, पंडरपुर का वर्णन पढ़िएगा। हिंदी की ले लेना, हिंदी की पढ़ सकते हो, तो मराठी की पढ़ो तो मराठी की पढ़ो। लिखा वर्णन किया, गोलोक धाम से राधा जी को चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान कृष्ण ने भेज दिया। जाओ पता करो, तुम्हारे मन में जो संशय है वो चंद्रभागा से जाकर करो। जाओ राधा जी पंडरपुर में आ गई। जो राधा जी पंडरपुर में आई, जैसे ही राधा जी का चरण पंडरपुर की रज में धूल में पड़ा, रज में राधा जी का जैसी चरण पड़ा, पढ़ते राधा मौन होकर एक जगह बैठ गई, स्थिर। चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्यों हरि विट्ठल के चरणारविंद में चंद्रभागा नदी है? चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्या करती है चंद्रभागा महारानी? मां चंद्रभागा करती क्या है? माता चंद्रभागा ने करा क्या था? एक काम बड़ा विचित्र करा है मां चंद्रभागा ने। हर बार मां चंद्रभागा ने जो काम किया, शायद वो काम कोई नहीं कर सकता। जब पौंडलिक अपने माता पिता से, पौंडलिक, जब आप लोग कथा का स्मरण, आप लोग तो सब पंडरपुर के रहने वाले हो, हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो आप लोग हो, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। पौंडलिक जब माता पिता को घर में छोड़कर काशी जाने लगा, पंडित जब काशी जाने लगे तो
काशी में जाते जाते पौंडरिक का ध्यान गया, जाना था इधर, पहुंच गए दक्षिण में। वहां कुरुकुट स्वामी बैठे हुए थे, उनके पास में पहुंचकर वहां जाकर उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। उन्होंने वहां जाकर कहा कि महाराज जी, मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? मैं आपके आश्रम में पहुंच गया, मुझे जाना काशी में था, पृथ्वी पर मोक्ष का सरल उपाय क्या है? स्वामी जी ने कह दिया, भगवान हरि की भक्ति, सरल उपाय। काशी से वापिस आए पौंडिक, भगवान नारायण की भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में इतने डूब गए कि माता पिता का सम्मान करना भी भूलकर, माता पिता का आदर करना भी भूल गए। कई लोग इस कथा को भी सुन रहे होंगे आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पंडाल में। आप लोग माला पकड़कर बैठ जाते हो या भगवान की पूजन करने बैठ जाते हो तो ये सोचते हो कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। माँ कुछ कह रही है, कोई मतलब नहीं है। पिताजी ने कुछ कहा, कोई मतलब नहीं। कभी कभी इतना अपमान हम अपनी वाणी से कर देते हैं कि बाद में हमको भी पछतावा होता है। अपने आप में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पौंडरिक भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, हरि विट्ठल की भक्ति कर रहे हैं और माता पिता का अपमान कर रहे हैं। माँ कह रही है ये काम कर ले, नहीं करना। पिता ने कहा ये कर ले, नहीं करना। अपमान कर दिया माता पिता का, शब्दों के शब्द बाण चला दिया। माता पिता को लगा ये इसकी अवस्था के अनुसार हो सकता है ढल रहा है, इसका ब्याह कर दो, शादी कर दी। शादी करने के बाद भी पौंडरिक और ज्यादा उच्चिष्ट हो गया। बस उसे तो भक्ति करना है, उसे तो भजन करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, ना साधु बनो, ना सन्यासी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो, ना उपासक बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अच्छे घर के गृहस्थी बन जाओ, एक अच्छा परिवार तुम्हारे साथ जुड़ा है उसमें रहो और अच्छी तरह से रहो, बिना क्रोध के, बिना अपशब्द के, बिना ताने के, बिना गाली के, बिना आड़े तेड़े संबोधन से। आप जिस घर में रह रहे हो उसमें अच्छे से तो रहो। अभी हमने अमरावती की कथा में कहा था, आप कलेक्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप मिनिस्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप इंजीनियर नहीं बन सकते, मत बनो। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप SPTI नहीं बन सकते, मत बनो। कम से कम अच्छे आदमी तो बनो। अच्छे आदमी नहीं बनोगे और बहुत बड़े पद पर बैठ जाओगे, बहुत बड़े अहदे पर बैठ जाओगे तो तुम्हारा वो सब बनना, मिनिस्टर ने, कलेक्टर ने, SP ने, DSP ने, ये ने, वो ने, मंत्री ने, संतरी ने, डॉक्टर ने, कलंत्री, तुम्हारा ये बनना ही बेकार है अगर तुम अच्छे आदमी ही नहीं हो। पराय दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, वो मनुष्यता अपने भीतर प्रकट तो करो, अपने भीतर को मानवता प्रकट तो करो। यहां परवणी वाले सांसद महोदय बैठे हैं, जाधव जी, संजय बंटू जाधव जी, जब हम परवणी में कथा करने के लिए गए, वहां के जिन लोगों से हम कथा के पहले 4 दिन तक तो हम किसी से मिलते ही नहीं, ये हमारा नियम है। जिस दिन कथा चालू कर दी उसके बाद हमारा मिलना बंद। पीछे के 3 दिन जरूर मिलते हैं, पर 7 दिन की कथा में आगे के 4 दिन हम मिलते हैं। जिस दिन कथा चालू करी उस दिन से बंद। तो जब बाद में किसी से मिलना हुआ तो हमने उनसे पूछा कि जाधव जी कथा कराए हैं, प्रसाद की व्यवस्था वगैरह, भोजन व्यवस्था, हमारी आदत है, हम जरा पूछते हैं भोजन व्यवस्था ठीक तो चल रही। परवणी के लोगों का कहना था, गुरु जी जब तक सब लोग भोजन कर नहीं चले जाते थे तब तक जाधव जी भी भोजन नहीं करते थे और सबके साथ मिलकर भोजन करते।
हमारा दिल प्रसन्न हुआ, हमारा बड़ा अच्छा लगा, हमने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा ऐसे शिव भक्त हो तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, होना चाहिए। बिना भक्ति के कुछ नहीं हो सकता, बिना भजन के कुछ नहीं। आप कुछ बनो ना बनो पर इंसान जरूर बनो। किसी का दुख है उस पर खड़े हो जाओ, किसी की तकलीफ है उसमें खड़े हो जाओ, किसी का कष्ट है उसमें खड़े हो जाओ। ये दुख की घड़ी में आप सामने हो, सामने। अमरावती के पहले कथा थी जलगांव में, आप लोगों ने सुनी थी टीवी पे, अरे बोलो तो जम के सुनी। अब वहां एक महिला को गर्भ में तकलीफ हुई और संतान, आप मानेंगे नहीं, एक तो इतने सालों के बाद उस महिला को औलाद हुई, संतान हुई। हम तो कथा में पहुंचे ही नहीं थे, उसके पहले पंडाल में ऐसा उत्साह मन रहा था जैसे इनके घर में औलाद हो गई, इनके घर में संतान, ऐसी उमंग था, ऐसा उत्साह भीतर था। खूब खुशियां मनाओ पंडरपुर वालों, खूब खुशियां। जैसे पहले कैलाश पर्वत से महादेव आए थे, अब की बार ये कुबेरेश्वर महादेव शिव महापुराण के रूप में मेरा शंकर आया। फिर ये नजारा देखने को मिले ना मिले, आज ये नजारा जो देखने को मिल रहा है, ये समझो कि शिव और हरि का मिलन हो रहा है, हर और हरि का मिलन इस पंडरपुर की भूमि में। उस समय पर 33 कोटि देवता पृथ्वी पर आए थे इस नजारे का दर्शन करने के लिए। देवता अपना अपना लोक छोड़कर पृथ्वी पर आ गए थे पंडरपुर में भगवान शंकर और हरि विट्ठल का मिलन देखने के लिए। यह मौका आप मत छोड़ देना, आपको भी आज मौका मिला है हरि और हर के मिलन का, शिव महापुराण और पंडरपुर की इस कथा का। छूटे ना, छूटे ना। थर्टी फर्स्ट के समय की कथा है, घर वालों से कह दें ना, ना क्लब जाएंगे ना होटल जाएंगे, हम तो 7 दिन पंडरपुर जाएंगे, हमें नहीं जाना था। 2023 का विराम हो और 2024 की शुरुआत हरि विट्ठल के चरणारविंद हरिहर से हो जाए तो इसके बाद क्या चाहिए, ये जीवन का सुख है। वो है कृपालु, दयालु, दया सागर कहते हैं उसको। बहुत बोल्ड आवाज है तुम्हारी, गजब की। बहुत हमारी तो माइक पे बोलो तो आवाज तुम्हारे तक पहुंचती है, तुम बिना आवाज के भी यहां पहुंचा देते हो। हर हर बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व की प्राप्ति। राधा जी आ गई, मौन होकर बैठ गई स्थिर चंद्रभागा नदी के तट पर, मौन स्तुप्त राधा जी, स्तुप्त होकर। और राधा जी जब स्तुप्त होकर बैठी, राधा जी जब मौन होकर बैठी, राधा जी जब मौन होकर स्थिर होकर बैठ गई, चंद्रभागा नदी का पवित्र तट था, राधा जी के पास स्वयं मां चंद्रभागा आई। चंद्रभागा का कार्य यही है, भीतर के संशय को मिटाना और भगवान हरि विट्ठल के चरणों की भक्ति प्रदान करना। आप में से कितने लोग हैं जो चंद्रभागा का स्नान करे हैं, कभी कभी जिंदगी में करे हो, रखो हाथ नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम। अपना मानव शरीर पाने के बाद, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद, सारी नदियों का स्नान कर लो, अगर चंद्रभागा का स्नान नहीं करा तो जीवन का कोई आनंद नहीं पाया। चंद्रभागा का स्नान जरूर करो। क्या करती है चंद्रभागा? मां चंद्रभागा एक काम करती है, हरि और हर से मिला दे।
हरी और हर्ष मिला देते। बस उस भक्ति को अपने भीतर उतार, उस भजन को, उस हृदय को अपने भीतर उतार। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, ये जो भजन की संपदा है आपकी, जो कथा की संपदा है आपकी, ये आपके जिंदगी को सार्थक बनाने वाली है। सार्थक। शिव कथा कह रही है, केवल चंद्रभागा जी ने राधा जी को ही उपदेश नहीं दिया, चंद्रभागा जी ने पौंडरिक को भी उपदेश दिया था। जिस समय पर पौंडरिक अपने माता पिता का आदर करना बंद कर दी और भगवान की भक्ति में डूब गए, भगवान की भक्ति, आज घर को छोड़कर पौंडरिक चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे थे, भगवान कृष्ण को भज रहे, अकेले भगवान का भजन कर रहे थे। भेजा चंद्रभागा को उपदेश देकर भगवान कृष्ण ने कहा, ये अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, सत्कार नहीं कर रहा। जब ये माता पिता का आदर नहीं कर रहा, जब ये माता पिता का सत्कार नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, तो फिर इसको भक्ति का क्या फल मिलेगा। फिर निवेदन है, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, जिस माँ ने 3 साल तुम्हें अपनी गोदी में रखा, और जिस माँ ने अपने दिल में मरते दम तक रखा, उस माँ का सम्मान करना सीख जाओ, उस माँ का आदर करना सीखो, उसका सत्कार करना सीखो। स्वयं चंद्रभागा माता ने आकर कन्या का रूप लेकर पौंडरिक को समझाया था, कन्या का रूप रखकर पौंडरिक को समझाने के लिए आई। छोटी सी कन्या पौंडरिक के पास आती, पौंडरिक भगवान कृष्ण का पूजन कर भोग लगाकर कन्या को बुलाकर हाथ में दे देते, चंद्रभागा महारानी छोटी सी कन्या का रूप लेकर प्रसाद हाथ में लेकर नदी में डाल देती। प्रतिदिन कन्या को आवाज लगाते, पौंडरिक ले प्रसाद लो, और प्रसाद लेती और वो नदी में डाल देती। पौंडरिक को बड़ा बुरा लगा कि मैं प्रसाद देता हूं और ये नदी में जल में डाल देती है। गुस्सा आ गया पौंडरिक को। पौंडरिक ने आज कन्या को बुलाया और पूछा, क्यों तुम ये प्रसाद नदी में क्यों डाल देती हो। चंद्रभागा नदी ने कहा, चंद्रभागा कन्या के रूप में थी, उस कन्या ने कहा, सुनो पौंडरिक, घर में माँ बाप भूखे बैठे हो और तुम भगवान को 56 भोग लगाओ, ऐसा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। घर में मां बाप भूखे बैठे हो, भगवान को 56 भोग लगाओ, ऐसा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। पौंडरिक समझ गए, घर गए, माता पिता का आदर करना प्रारंभ करा, प्रणाम करा। चंद्रभागा क्या करती है, सही मार्ग मां चंद्रभागा बताकर हरि विट्ठल तक पहुंचाने का प्रयास कर देती। बोल चंद्रभागा माता की, चंद्रभागा मार्ग प्रशस्त कर दे। अब वही चंद्रभागा ने जो मार्ग प्रशस्त करा था पौंडरिक को, वो पौंडरिक से एक दिन माता पिता ने पूछा, हमारा बेटा अपशब्द कहता था पर अपशब्द नहीं कहता, पहले माता पिता का आदर नहीं करता था, माता पिता का आदर करता है, ऐसा बेटे को ज्ञान किसने दिया। तो बेटे ने कह दिया, मैं एक कन्या मिली थी, उस कन्या ने मुझे ज्ञान दिया। कहाँ मिली, चंद्रभागा नदी के तट पर, माता पिता को लेकर आ गया दर्शन कराने। कन्या नहीं मिली, केवल नदी का जल था, बैठे संत के रूप में। कहे ये भक्ति की संपदा है। अच्छा ईमानदारी से बोला, आप लोगों में से दुकान जाते हो, अरे बोलो तो, कमाई करते हो, नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, कुछ तो प्राप्त करते होगे। अगर आप नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो,
तनख्वाह लेकर आ रहे हो, दुकान चला रहे हो, पैसा लेकर आ रहे हो और मालूम पड़े बीमार पड़ गए। संपदा तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा और तुम हॉस्पिटल में पड़े हो। अब तुम्हारी संपदा खर्च कैसे करना है, कितनी संपदा तुम्हारी बीमारी में लगाना है, संपदा तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, संपत्ति तुम्हारी, अब निर्णय दूसरे ले रहे हैं। बाहर हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर लोग निर्णय ले रहे हैं, इनको मुंबई ले जाएं कि नहीं ले जाएं, इनको सोलापुर दिखाने ले जाएं कि नहीं ले जाएं। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, मेहनत कर करके तुम मर गए, हॉस्पिटल में पड़े हो, पैसा तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, धन तुम्हारा, और निर्णय ले रहे हैं दो चार लोग खड़े होके। देखो अगर डॉक्टर बुलवाएंगे बाहर से दिखाने के लिए तो कम से कम 1,00,000 रुपए का खर्चा, पैसा तुम्हारा, निर्णय दूसरे ले रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक तुम्हारी चले, जब तक तुम्हारी तुम्हारे घर में चले और जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक ये दो हाथों से दान भी करो, पुण्य भी करो, भजन भी करो और कीर्तन भी करो। जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारी तुम्हारे घर में चले, जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी तब तुम ना दान कर पाओगे ना तुम पंडरपुर आ पाओगे। कई लोग वारकरी के अंतर्गत जब लोग वारी करने के लिए जब आते हैं तो उनका मन होता है हम भी जाएं पंडरपुर पैदल, हम भी जाएंगे आषाढ़ी एकादशी पे, हम भी जाएंगे। इतने में बहुएं खड़ी हो जाती हैं, कहीं मत जाना, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, दो बार हॉस्पिटल में दिखा लिया है, चेक करवा लिया है, शरीर अब ऐसा बचा नहीं है, जाने के लायक है नहीं, नहीं जाओगे। इतने में बूढ़े पिताजी ने अपने बेटे से कहा बारी करने जाऊंगा मैं भी। बेटा कहता है पापा भाव मना करा ना मैंने, नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाऊंगा? इतनी दूर पैदल नहीं जाना, भीड़ बहुत होती है, जा नहीं पाओगे, पैदल पैदल इतना चल नहीं पाओगे। पिता का मन हो रहा है, मां का मन हो रहा है, पर औलादों के आगे। इसलिए मेरी पंडरपुर की जीजियों, जब तक शरीर चले और मेरे जीजाओं, जब तक तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक चंद्रभागा का स्नान भी कर लो और हरि विट्ठल का दर्शन भी कर लो, करो दर्शन। जब जय 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 हरि विट्ठल विट्ठला, जय जय हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय जय हरि विठ्ठल, ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय जय हरि विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग, ओ विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय जय हरि विठ्ठल विठ्ठला, ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, हो।
आपके सिर पे भोले जी विराजे, आपके सिर पे भोले जी विराजे, ओ चंद्र भागा के तट पे साजे, चंद्र भागा के तट पे साजे, आपके सिर पे भोले जी विराजे, आपके सिर पे भोले जी विराजे, ओ आपके सिर पे भोले जी विराजे, आपके सिर पे भोले जी विराजे, ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय जय हरि विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय जय हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, राधे। विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय 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 हरि विठ्ठल Thank you.
विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से चित्त से ध्यान लगाकर दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात अवश्य कहिए। कार्यकर्ता भी जो खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात दिल से कहें। पवित्र भूमि पंडरपुर की माँ चंद्रभागा नदी का तट, हरि विट्ठल की साक्षी, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों की पवित्र भूमि जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, उच्च स्वर में एक साथ बड़े भाव के साथ में प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री